और कर्माद भारत शुक्र ज्ञान फरमा नारा तकबीर नारा रिसाल सलातो वसलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला अलैका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। मोहब्बत के साथ हमारे पास दुरूद सलाम का मौका पेश करें। सलातो वसलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला अलैका व सहाबिका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। समीर मुहतरम, आज की ये पुरानक महफिल देखकर यकीन माने के इस तरह दिल खुश हो रहा है, इस तरह दिल खुश हो रहा है कि जिस तरह हम कभी कभी बाबा जी सरकार की महफिल में मीनारे पाकिस्तान बैठा करते थे और दाता दरबार के दामन में बैठकर हम अपने उस्ताद-ए किराम से जो दर्स लिया करते थे, आज आपने जो मोहब्बत के साथ अपने मेहमानों का इस्तकबाल किया और आपके जो ये चेहरे हैं, ये खूबसूरत चेहरे, ये आप तो मुस्कुराते हैं ना, तो जब या रसूलुल्लाह का नाम आता है तो आपके चेहरे खिल उठते हैं, तो फिर मजा आ जाता है। एक नारा लगाएं, लबैक 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 लबैक। और यकीन मानने के आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिन्होंने इस महफिल को दोबाला किया और फिर हम सारे और आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं कि जिनका जिक्र सुनने के लिए, जिनका जिक्र करने के लिए आप यहाँ तशरीफ लाए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तहसील इंतजामिया परेटा असिस्टेंट कमिश्नर साहब और थानेदार साहब का जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम में अपनी नफरी भेजी, नौजवान भेजे। उसके बाद हमारे उलमाए किराम, मकामी उलमाए किराम जिनमें हमारे कारी अल्लामा इश्ताक कादरी साहब स्टेज पर तशरीफ रखते हैं और बाकी उलमा हमारे पंडाल में तशरीफ रखते हैं, तमाम मेरी नज़र में है, नाम लेना इतनी मुश्किल है, तो मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ और लबैक लबैक वालों का स्पेशली शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे इस यूनिट कौंसिल के उम्मीदवार तौसीफ साहब वो मोहम्मद शरीफ पहन के बैठे हुए हैं, ये मेरे बाबा की सरकार का फैजान है, अलामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह का फैजान है कि इन नौजवानों को सुन्नत रसूल की तरफ गम गम। और उसके बाद सोशल मीडिया के, प्रिंट मीडिया के जो हमारे नौजवान तशरीफ लाए, भाई आबद वादी बना से, निसार आजम राजा किंग मूवी कोलेटा से, और जो हमारे भाई तशरीफ लाए उनका नाम नहीं जानता, अल्लाह ताला ने उनको अजर अजीम अता फरमाया। और उसके बाद स्टेज पर बैठे हुए हमारे भाई शहजाद जो इंग्लैंड से तशरीफ लाए, हाजी शेरबाज साहब जो हमारे इस इलाके के बुजुर्ग शख्सियत हैं, राजा कौशिक चेयरमैन साहब इस मस्जिद के पड़ोसी हैं, अली चौहान साहब और इनके दूसरे भाई जिनका और फैम में छोटा कप्तान कहा जाता है, ये वो नौजवान हैं जिन्होंने आज दन्ना की इस तारीख का जो है ना दन्ना में एक तारीख रकम कर दिया। और हम सारे मिलकर अपने मामू हफीज साहब का शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने इस महफिल को रौनक बख्शी और इस महफिल की बुनियाद उन्होंने रखी, सारी मेहनत उनकी है। अगर महसूस ना करें तो मैं गाजी कलाम साहब आपसे गुजारिश करूंगा कि एक माना आप भाई हफीज को डालें और एक सुल्तान अजीक रहमान साहब भाई हफीज के गले में माला डालें और जिस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी कबूल फरमाए और आज इस पंडाल में जितने लोग मौजूद हैं सबको अल्लाह मदीना दे, कहते सुभान अल्लाह। और आज यकीन माने एक बड़े अरसे के बाद जो है वो दिल खुश हुआ है कि आलियान दन्ना और दन्ना से अलावा जो लोग यहाँ पर तशरीफ लाए डॉक्टर अब्दुल हमीद साहब, आपका भी शुक्रिया। और मैं देख रहा हूँ कि लड़के जो है वो सरोटा सुमरोट बटल खोईरेपुरा त्याड़ी पार और घोड़े के जो है वो बड़े नौजवान यहाँ तशरीफ रखते हैं, तो मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। नाम लेना ये सरकार जानते हैं कौन किधर खड़ा है, कौन किधर बैठा हुआ है। और आज ये खूबसूरत शख्सियत है, इनको हम सोशल मीडिया पर तो देखते रहते थे, भाई हफीज की वसात से हमें भी ये खुशकिस्मती है हमारी जो हमारे दरमियान मौजूद हैं, इनसे हम अभी कलाम सुनेंगे। और आखिरी बार क्या क्या इजाजत चाहूँगा सोशल मीडिया के और प्रिंट मीडिया और ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसकी वसात से जो हमारे भाई दन्ना से और भाई से जो बैरून मुल्क रहते हैं
और दाना के वो लोग जो मसाजिद और मदारस में तामन करते रहते हैं, ये मुझे किसी ने कहा नहीं, अपने दिल से कह रहा हूँ, आइंदा के बाद कोशिश करें कि ये जो मस्जिद है इसके अभी मीनार बाकी रहते हैं, इसके मीनार बनने के, ये दाना की खूबसूरत तरीन मस्जिद है। जो लोग इंग्लैंड, सऊदीया, दुबई वगैरह रहते हैं वो भी कोशिश करें कि इस मस्जिद की कमेटी के साथ तआवुन करें, और जिन्होंने तआवुन किया हुआ है अल्लाह ताला उसको कबूल और मंजूर फरमाए। और हमारे बुजुर्ग चौधरी सादत चौहान साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और हाजी हनीफ चौहान साहब को याद शरीफ रखते हैं, उन्होंने भी मस्जिद के साथ वो तआवुन किया है, अल्लाह ताला कबूल और मंजूर फरमाए। वमा अलैका इल्लल्लाह।